शशांक निदम सुने। इस मूवी की लाइफ टाइम आईएमडीबी रेटिंग 9.4 है। ये मूवी इतनी अच्छी है कि हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी की डेडलाइन है फियर कैन होल्ड यू प्रिजनर, होप कैन सेट यू फ्री। और इसका मतलब यह है कि डर हमें बंदिशों में बांधे रखता है पर उम्मीद हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। यह पूरी मूवी तीन मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहला है एंडी ड्यूफ्रेन, दूसरे हैं एलिस, तीसरे हैं जिल वाल्डन सैमुअल नॉर्टन। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एंडी जो कि एक बैंकर है उसको अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके एंडी अपनी वाइफ के साथ झगड़ा होता है। उसी रात एंडी की वाइफ और उसके लवर का मर्डर हो जाता है। अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्जाम में एंडी को उम्र कैद की सजा होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है और उस जेल का नाम होता है शशांक। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी को दूसरे कैदियों के साथ जेल में लाया जाता है। इस जेल का वार्डन बहुत ही क्रूर होता है लेकिन नॉर्टन ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है। नॉर्टन जेल के सभी कैदियों को जेल के रूल्स बताता है। वो कहता है जेल में तुम कभी भी ईश्वर का अनादर नहीं करोगे। इसके बाद सभी कैदियों को अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। रात में सभी के पुराने कैदियों नए कैदियों को डराने लगते हैं जिससे एक नया कैदी रोने लगता है। सबके आवाज सुनकर वहां गाल आ जाते हैं। वो नए कैदियों के रोने की आवाज सुनकर उसे बहुत मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी जाकर रैद से मिलता है। वो उसे अपने लिए हथौड़ी मंगाते हैं। रैद के गार्ड के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं और वह किसी भी सामान को बाहर से कुछ कमीशन देकर मंगा लेता है और कैदियों से भी इसके लिए वो कमीशन लेता है। जब रैद एंडी रैद से कहता है कि मुझे हथौड़ी चाहिए तब रैद पूछता है कि तुम्हें हथौड़ी किस लिए चाहिए, क्या तुम जेल में सुरंग खोदना चाहते हो। ये सुनकर एंडी हंसने लगता है और वो कहता है कि पत्थर तराशना चाहता है, यह उसकी हॉबी है। रैद से कहता है कि मैं हथौड़ी तुम्हारे लिए मंगा दूंगा पर इसके लिए तुम्हें मुझे 20% अलग से देना पड़ेगा। इस एंडी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद एंडी बाल से रैद बाल से एंडी की हथौड़ी मंगाता है। जब उसे देखता है तो उसे हंसी आ जाता है क्योंकि वह थोड़ी बहुत ही छोटी होती है और वह सोचता है कि अगर वह इसे थोड़ी से सुरंग खोदने की कोशिश की जाए तो कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद वह सामान एंडी तक पहुंचा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि तीन लोग जिसकी नजर एंडी पर पहले से ही थी इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। एंडी उनसे बचने के लिए लड़ता है पर वो लोग एंडी को बहुत मारते हैं। उसके बाद लगभग 2 सालों तक यही चलता रहता है। कभी एंडी उनसे लड़ पाता है, कभी एंडी उनके सामने हार मान लेता है। इन सब की वजह से ये होता है कि एंडी बहुत कमजोर हो जाता है। इसके शरीर में बहुत सारे इंसान पड़ जाते हैं। इसके बाद एक दिन जेल का वार्डन सभी कैदियों को बुलाता है और कहता है कि फैक्ट्री की छत रिपेयर करनी है, इसके लिए 12 लोग चाहिए। इस काम को कौन कौन करना चाहता है। तब 100 लोग इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह पर्ची से इन सबको चुनाव करता है। रैद कुछ सिगरेट जेल के वार्डन को देकर अपना और अपने दोस्तों का नाम सिलेक्ट करवा लेता है। एंडी का भी नाम इन 12 लोगों में सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ काम करने लगते हैं। एक बार जब वो काम कर रहे होते हैं तब गार्ड और उनका कैप्टन आपस में बात करते हैं कि कैप्टन का भाई उसके नाम से $35,000 मांगने के बाद छोड़कर गया है। पर कैप्टन को इन पैसों पर टैक्स का डर होता है इसलिए उसको लगता है कि ये पैसे उसके लिए बेकार है। एंडी और उसके दोस्त उसकी ये बात सुन रहे होते हैं। उसी समय एंडी कैप्टन के पास जाता है और कहता है आपको अपने भाई पर तो भरोसा है। कैप्टन उस पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे छत पर धकेलने ही वाला होता है। तभी एंडी कहता है अगर आप अपने वाइफ पर भरोसा है तो अपने $35,000 बचा सकते हैं। इसके बाद वह बताता है कि वह सरकार जीवन में एक बार आपको अपनी बीवी को 7,000 तक का गिफ्ट देना एलो करती है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद एंडी कहता है कि मैं एक बैंकर था तो मुझे इस बारे में पता है।
आप डॉक्यूमेंट लाकर दे दीजिएगा, मैं इसे फ्री में डाल दूंगा, जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। आप सिर्फ उसके बदले मेरे दोस्तों को तीन तीन बियर पिला दीजिएगा। इसके बाद वो कैप्टन का काम कर देता है और कैप्टन उसे खुद बियर दे देता है। इस घटना के बाद एंडी और रेड अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वो फिल्म देख रहे होते हैं। उस फिल्म को देखने में एंडी का मन नहीं लगता है, क्योंकि जेल में सेम मूवी बार बार दिखाई जाती है। वो रेड से कहता है कि उसे वो एक्टर चाहिए जो उस मूवी में है, क्या वो उसे लाकर दे सकता है। रेड इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद एंडी वहां से अकेले ही निकल जाता है। इसके बाद एंडी को वो लोग पकड़ लेते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। वो फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और इसे बहुत मारते हैं। इसकी वजह से एंडी को एक महीने के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है और जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी उसे 7 दिन के लिए कोठरी में रहना पड़ता है। एक हफ्ते बाद जैसे ही वो अपने सेल में पहुंचता है, वहाँ कैप्टन पहले से ही होता है। वह उसे बहुत मारता है जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। इसके बाद जब रेड वापस आता है तो रेड उसे एक्ट्रेस का पोस्टर देता है जो उसने पहले मांगा होता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वाल्डन जेल में सदन चेकिंग के लिए आता है। वो एंडी की सेल में आता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वाल्डन उसकी फेवरेट लाइन पूछता है। एंडी कहता है हमेशा चौकन्ना रहो क्योंकि इसकी नजर सब पर होती है, वह कभी भी आ सकता है। तब वाल्डन कहता है मार्क 13:35। ये लाइन उसे भी पसंद है, बट इससे ज्यादा उसे पसंद है कि मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, जो मेरे पीछे आएगा स्वर्ग जाएगा, जो चैप्टर 8 पर है, एंडी कहता है। इसके बाद वाल्डन कहता है तुम्हें नंबर बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। इसके बाद कैप्टन कहता है सेल में सब कुछ ठीक है। वाल्डन जब एक्ट्रेस का पोस्टर देखता है तो कहता है इसे मैं हेलो तो निकलता, पर कभी कभी कुछ चीजों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद वाल्डन वो बाहर निकल जाता है, बाइबल एंडी को दे देता है और कहता है मुक्ति इसी में है। इसके बाद वाल्डन एंडी को बुला देता है और उसे लाइब्रेरी का में असिस्टेंट बना देता है। असिस्टेंट बनना तो मानना था, हकीकत में वाल्डन उसे अपना काम कराना चाहता है। इसके बाद एंडी लाइब्रेरी में काम करने लगता है। वह वहां सभी गार्ड की टैक्स रिटर्न फाइल करता है और वह जेलर की भी रिटर्न फाइल करता है। वह वाल्डन से बात करता है कि वह लाइब्रेरी में बहुत किताबें मंगाना चाहता है, पर वाल्डन कहता है कि उसके पास इसके लिए फंड नहीं है। एंडी कहता है कि मैं सरकार को लेटर लिखना चाहता हूँ। वाल्डन इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एंडी हर हफ्ते सरकार को एक पत्र लिखा करता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रोक्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जेल में बिता दी, एक कैदी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वह जेल में से बाहर नहीं निकलना चाहते। बाहर की दुनिया उनके लिए पूरे तरीके से अनजान होती है। उन्हें लगता है कि वह बाहर की दुनिया में नहीं जी पाएंगे। वह क्राइम करके जेल में ही रहना चाहते हैं, पर किसी तरीके से एंडी उन्हें समझाता है और वह कैदी को बचा लेते हैं। इसके बाद फूक्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उन्हें एक रूम मिल जाता है और एक डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब भी दे दी जाती है, पर उनका वहां मन नहीं लगता और कुछ समय बाद वह अकेलेपन में सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि गुरमीत एंडी की बात सुन लेती है और उन्हें कुछ पैसे और पुरानी किताबें उसकी लाइब्रेरी में भेज देती है। पर इसके बाद भी एंडी गुरमीत को लेटर लिखना चालू करता है, जिससे सरकार उन्हें हर साल $500 और कुछ किताबें देने का वादा करती है। इन $500 से एंडी पुरानी लाइब्रेरी से ऐसी बुक्स मंगाता है जो कि मार्केट में नहीं मिलती है, जो कि उसे बहुत कम कीमत में मिल जाती है। अब एंडी इस लाइब्रेरी को US की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी बनाता है। इन लाइब्रेरी में कैदी म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इसके कुछ समय बाद वाल्डन एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें वह कैदियों को बाहर काम करने के लिए ले जाता है, जिसमें मजदूरी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वाल्डन बहुत सारे टेंडर हथियार लेता है, जिसके बाद उसके पास काफी ब्लैक मनी हो जाती है। इसके अलावा भी इसके पास काफी काम होते हैं जिससे भी इसके पास ब्लैक मनी आती है। इस जुड़े हुए पैसों को एंडी संभालता है।
एंड इन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जिससे वो पैसे वापस आते हैं तो वाइडो कराते हैं। और एंडी ने स्टीवंस नाम से वोल्डन का एक नकली पार्टनर भी बनाया होता है, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर हकीकत में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी पैसा आता है तो तब वो पैसा स्टीवंस के अकाउंट में जमा करा देता है। कुछ समय बाद एक टॉमी नाम का कैदी जेल में आता है। जब वो एंडी के बारे में सुनता है तो एंडी से उसे हाई स्कूल की पढ़ाई कराने के लिए कहता है। एंडी उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे टॉमी पास हो जाता है। जब टॉमी को पता चलता है कि एंडी एक बैंकर है और उसे अपनी वाइफ के कत्ल के इल्जाम में जेल हुई है। जब वो एंडी को बताता है कि एक बार वह जेल में था, उसके साथ एक कैदी था जिसने उसे बताया था कि एक बार उसने आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मारा था, जिसके इल्जाम में उसके पति को सजा हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर था। एक न्याय सुनकर एंडी समझ जाता है कि यह वही आदमी था जिसने उसकी बीबी को मारा था। वह वोल्डन के पास जाता है, पर वोल्डन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और वह करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसका अगर एंडी रिहा हो गया और इसके पैसे को कौन संभालेगा। इसके बाद एंडी वोल्डन से बहस करने लगता है तो वोल्डन उसे कारकोची में बंद कर एक महीने के लिए डाल देता है। और इसी बीच वोल्डन टॉमी को भी मरवा देता है और सबसे कहता है कि उसने भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से गोली मार दी गई। उसके बाद वोल्डन एंडी से फिर से अपने लिए काम करने को कहता है, पर वह मना कर देता है। इसके बाद वोल्डन उसे डराता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लाइब्रेरी को मैं बर्बाद कर दूंगा और जो भी किताबें हैं उन सबको मैं आग लगा दूंगा। इसके बाद एंडी इसके लिए काम करने को तैयार हो जाता है और वह वोल्डन के लिए फिर से काम करने लगता है। इसके अगले सीन में दिखाया गया है कि एंडी और रेड टाउन में बैठे होते हैं और इसके बाद एंडी रेड से मिलता है कि अगर मैं यहाँ से कभी बाहर निकला तो सबसे पहले स्वातान्या हो जाएगा जो मैक्सिको में है। वहाँ वो होटल खोलेगा और कुछ बोट्स खरीदेगा और अपनी बची हुई जिंदगी वहीं बिताएगा। वो रेड से कहता है कि वहाँ जा मुझे एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत होगी, तुम वहाँ ना, हम साथ में रहेंगे। इसके बाद एंडी रेड से कहता है कि अगर तुम यहाँ से कभी बाहर निकले तो मेरा एक काम करोगे। रेड हाँ कर देता है। एंडी कहता है कि होटल के पास एक मैदान है जिसमें पत्थर की एक दीवार है, उसमें उत्तर की तरफ एक पेड़ लगा हुआ है, उसके पास दीवार में एक काला पत्थर है, उसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है, तुम उसे अपने पास रख लो। रेड पूछता है इसमें क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें खुद वहां जाना पड़ेगा। एंडी का ये बिहेवियर रेड को अजीब लगता है। वह ये बात अपने दोस्तों को बताता है। वो ये सब सोचकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि एंडी सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो अपने दोस्त से रस्सी मांगता है जो उसने दे दी होती है। इसके अगले सीन में दिखाया गया कि एंडी वोल्डन का काम कर रहा होता है। वह वोल्डन को डिपॉजिट देता है वो बैंक में जमा करने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करता है। वोल्डन उसे अपने कपड़े और जूते देता है लॉन्ड्री के लिए और वह वहां से चला जाता है। सुबह जब सब कैदियों की गिनती होती है उन्हें एंडी नहीं मिलता। रेड को लगता है शायद एंडी ने सुसाइड कर लिया, पर जब गार्ड वहां जाकर देखते हैं तो एंडी का सेल खाली होता है। इसके बाद वोल्डन वहां आता है तो वहां एक्ट्रेस के पोस्टर के नीचे एक सुरंग होती है। एंडी उस सुरंग से भाग चुका होता है। एंडी जब वोल्डन के पास आता है तो वह अपने साथ उसके कपड़े और जूते भी लेके आता है। इसके अलावा वह स्टीवन जो कि वोल्डन का नकली पार्टनर है, उसकी आईडी और जरूरी डॉक्यूमेंट भी लेकर आ जाता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स और कपड़ों को एक प्लास्टिक में रखता है और उसे रस्सी में बांध देता है और उस रस्सी को अपने पैरों में बांध कर सुरंग से रेंग कर बाहर निकल जाता है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद वो गटर के पाइप से रेंग कर लगभग 500 मीटर
तक जाता है जिसका मुंह एक नाले में खुलता है। इसके बाद एंडी वहां से निकल जाता है। इसके बाद सुबह होती है, सुबह एंडी हर बैंक में जाता है जहाँ स्टीवंस का खाता होता है। वह स्टीवंस का डॉक्यूमेंट दिखाकर बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है जो लगभग 30,70,000 डॉलर होते हैं, और वो वॉल्डन के खिलाफ खुद प्रेस को भेज देता है। इसके बाद अगले दिन वॉल्डन के सभी कारनामों के बारे में पेपर में छप जाता है। पुलिस वॉल्डन को पकड़ने के लिए शशांक आती है, पर उसके पहले ही वह सुसाइड कर देता है। इसके कुछ समय बाद रैद को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसने जेल में 40 साल बिता दिए होते हैं, और अब वह एक अच्छा इंसान बन गया है। इसके बाद बाहर उसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब मिल जाती है, उसे एक रूम रहने के लिए दे दिया जाता है। इस काम को में इसका मन नहीं लगता और वह क्रूक्स की जगह सुसाइड करने की सोचने लगता है, पर उसे याद आता है कि एंडी ने उसे एक काम करने को बोला था, तो रेड उस पत्थर को ढूंढने के लिए होटल जाता है। वहां उसे एक काला पत्थर दिखता है, उसके नीचे एक बॉक्स रखा होता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और एक लेटर लिखा होता है जो कि एंडी ने रेड के लिए लिखा होता है। इसमें रेड ने लिखा होता है, एंडी ने लिखा होता है कि मुझे यहाँ अपनी नाव सुधारने के लिए एक आदमी की जरूरत है, तुम यहाँ आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेड एंडी से मिलने के लिए निकल जाता है। वह मैक्सिको पहुंचता है तो वहाँ एंडी एक नाव सुधार होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है।